हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि आज भी हनुमान जी धरती पर शरीर विचरण करते हैं। हनुमान जी को कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान हनुमान के दुनिया भर में भक्त हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में है। इस मंदिर को पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि यह मंदिर लगभग 1500 साल पुराना है। यह मंदिर पाकिस्तान के कराची शहर के सोल्जर बाजार में स्थित है। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में भगवान श्री राम भी आ चुके हैं। मंदिर में उपस्थित पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है, क्योंकि इस मूर्ति का इतिहास 17 लाख पुराने त्रेता युग से है। इस मूर्ति को त्रेता युग का बताया जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में मौजूद पंचमुखी हनुमान की मूर्ति साधारण मूर्ति नहीं है। इस मूर्ति में हनुमान के सभी 5 रूप नजर आते हैं। इस मूर्ति में हनुमान के नरसिम्हा, आदि वराहा, हयग्रीव, हनुमान और गरुड़ अवतार नजर आते हैं। मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान मूर्ति जमीन से खुद ब खुद प्रकट हुई थी। जिस स्थान पर यह मंदिर स्थित है उस जगह से ठीक 11 मुट्ठी मिट्टी हटाई गई थी और हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई। पुजारी के अनुसार मंदिर में सिर्फ 11 परिक्रमा लगाने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ आकर लाखों लोग अपने दुखों से निजात पा चुके हैं। बताया जाता है कि पाकिस्तान में सुरक्षित बचे ये कुछ हिंदू मंदिरों में से एक है। यहाँ मराठी, सिंधी से लेकर बलूच तक के सभी कम्युनिटी के लोग आते हैं और भगवान हनुमान के दर्शन करते हैं।